शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे महादेव, चार फेरे हो चुके हैं, अब बस बाकी के तीन फेरे सफल होने देना। बोलो बच्चा, क्या चाहिए हमसे? पापा, हम आपको बता रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, हटो वहां से। पापा, हमारे घर में ना एक आत्मा है और हमारी ननद ने उसको अपने बस में करके रखा है। हम बस ये चाहते हैं कि आप उस आत्मा को हमारे बस में करवा दीजिए। कौन सी आत्मा? हम तो यहाँ लाल किताब के लिए आए ना यहाँ। शुक्रिया। अरे पापी, आत्माओं वाला चक्कर आपको कैसे पता? क्योंकि हमारी दो नहीं, चार आंखें हैं और हम तुम दोनों की तरह अपने हाथ आंख कान पर तारे लगा के नहीं रखते हैं, इसलिए। अरे लेकिन भाभी, आत्मा, अरे आपको अंदाजा भी है आत्मा क्या क्या कर सकती है? इसी का तो फायदा उठाना है। सोचो, अगर आत्मा हमारे बस में होगी तो हम क्या नहीं कर सकते, और उस लाल किताब में पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, हमें उसको पढ़ के पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक आत्मा हमारे बस में आ जाती है तो हमें उसको सिर्फ ऑर्डर देना है और वो हमारे काम करेगी। जस्ट इमेजिन, वो हमसे पूछेगी, बोलो मेरे आका, और हमें सिर्फ उसको बताना है और फिर वो हमारे सारे काम कर देगी। इसीलिए बाबा, आप ना बस उस आत्मा को हमारे बस में करवा दीजिए। रोनी, हड्डी भैया, हम ना एक वक्त की रोटी थोड़ी कम खा लेंगे, लेकिन ये सब चक्करों में नहीं पड़ते। त्रिकाल, प्रस्थान कीजिए। रानी, ये बाबा ना मुझे चमत्कारी लग रहे हैं, लगता है काम ना हो ही जाएगा। हाँ भैया, अब तो मुझे भी ना ये बाबा जी पे भरोसा होने लगा है, ये हवाएं देखकर जरूर इनमें कोई शक्ति है। भैया चुप रहो रानी, माता ठीक हो? हाँ हाँ। अब वो पतिव्रता गहना की पहली परीक्षा खत्म होते ही मैं देखूंगी कि मेरी झोली में क्या क्या फल गिरते हैं। रिंग अचानक से इतनी टाइट कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है कि मेरी ना उंगली कट जाएगी। कहीं ये गहना की परीक्षा का उल्टा असर तो नहीं हो रहा? ये गहना कहीं मुझे उल्लू तो नहीं बना रही? आत्मा वश में हो जाएगी, पर इसके लिए एक शरीर चाहिए। किसका लो? बाबा जी, श्लोक का शरीर। नहीं,
डर लगता है इन सब चीजों से। मैं नहीं इतना डर रहा हूँ, कुछ देर की बात है, मोला मोल होना है या नहीं होना है, फिर आने दो आत्मा को। ठीक है, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि वो आत्मा का तुम मेरे शरीर से वापस बाहर निकलोगी, प्रॉमिस करो। वो हाँ, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, जल्दी निकलवा दूंगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमने तय किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगी? हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही हो, मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है और हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। तो हमारा समय मत बिगाड़ो, जाओ यहाँ से, हमें हमारी विधि पूरी करने दो। झूठ बोल रही हो तुम, और ये सब ना तुम मेरे लिए नहीं कर रही हो, अपने लिए कर रही, ताकि मुझसे मेरी शक्तियां और गौरव दोनों ही छीन लो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस वक्त तुम एक औरत के सामने नहीं बल्कि एक सुहागन के सामने खड़ी हो, जो सुहागन अपने सुहाग की रक्षा कर रही है, अपने सुहाग के लिए वो तप कर रही है। इसलिए दूर रहो हमसे, इस समय हमारे अंदर बहुत ताप है। मुझ में भी बहुत है, अब देखो मैं क्या करती हूं। अब करके दिखाओ अपना तप। आत्मा और इस शरीर में प्रवेश करो। ये रिंग मुझे दर्द दे रही है। और जरूर इस गहना की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। गहना की विधि को रोक दो। हे महादेव, अब आखिरी चक्कर बचा है, उसके बाद हमारी विधि पूरी हो जाएगी, हम गौरव को बचाने में सफल हो जाएंगे, हमारी रक्षा करना। Come on, come on.
हर हर महादेव। आओ आत्मा और इस शरीर में प्रवेश करो, आओ, ये मेरा हुक्म है। क्या आओ आओ बोल रहे हो? हमें मुझे नहीं डलवानी अपने शरीर में। ये आत्मा बड़े घर के चक्कर में मुझे अपने शरीर किराए पर नहीं देना। अब बाहर में जाए आत्मा, बाहर में जाए लाल किताब, बाहर में जाए पैसे, बाहर में जाए तांत्रिक, तू मैं चला। अरे जाओ। अरे भैया, अरे सुनो। अरे भैया सुनो तो। रुको, गौरव विधि पूरी हो चुकी है, वापस आ जाओ गौरव, अपनी गहना के पास वापस आ जाओ। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ा खेल खेल रही हो। अब बताओ कि झूठी परीक्षाओं के नाम पर क्या कर रही थी तुम? उर्वशी, हवा गला छोड़ो। राजीनामा याद है ना? तुम्हें लिखित में देना होगा कि तुम गौरव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, आगे मत बढ़ना। यहां क्यों खड़ी हो? गेट आउट। अभी मम्मी टाइम है, हमें लगता है हमें किसी आत्मा ने पकड़ लिया है। अरे भैया, आत्मा तो तब पकड़ती ना जब आप उसे अपने को पकड़ने देते। पहले उसे अपने अंदर आने देते और फिर उसे यूज करते और आजाद कर देते। हाथ तक आया, मुंह ना लगाया, अच्छा खासा मौका गवा दिया तुमने श्लोक। अरे सॉरी बोल रहे ना तुमको। अरे भैया, अब सॉरी बोलने से क्या होगा, आत्मा थोड़ी वापस आ जाएगी अब। और इस बात के लिए ना हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा ना बोलो श्रेया, प्लीज। तब तक बोलेंगे जब तक तुम उस आत्मा को वापस नहीं लेकर आ जाते। बोलेंगे वापस ले आए। अरे हाँ भैया, हाँ। वापस ले आओ, फिर देखना भैया, हर दिन दशहरा होगा और हर रात दिवाली होगी। भैया दिवाली, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। हाँ। नहीं, हमें डर लगता है, हम नहीं करेंगे, नहीं। अरे यार भैया, थोड़ी हिम्मत लाओ। किस बात का डर, मैं हूं ना आपके साथ। मैं तो डरो मत भैया, उस आत्मा को अपने अंदर आने दो। वो तांत्रिक तो हमसे नाराज हो गया ना, अब वो क्यों करेगा हमारे लिए काम? हम माफी मांगेंगे। हाँ? तो जरूर करेगा हमारे काम। इनका अपना अलग ही चल रहा है यहाँ, माफिया तो हम मंगवाएंगे तुमसे। होश आ गया। तुम्हारे लिए मेरी पूजा, मेरी परीक्षा, मेरा बलिदान, सब कुछ सफल हो गया। और क्यों ना होता, तुम्हारे लिए मन्नत जो मांगी थी मैंने। बलिदान, परीक्षा, हम समझ रहे। मैं तुम्हें समझाती हूँ गौरव, तुम बेहोश हो गए थे,
और सिर्फ तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे अपने सर पे सात मटके रखकर तुम्हारी परिक्रमा सात बार करनी थी ताकि तुम्हें होश आ जाए। और देखो ना, तुम्हें होश आ गया गौरव। लगता है तुम्हें पाने के लिए हमें और परीक्षाएं देनी होंगी। हम देंगे और परीक्षाएं गौरव। गौरव, हम एक होने लगते हैं और फिर हमें अलग होना पड़ता है। हमारी मजबूरियां तो देखो, हम जाकर भी तुम्हें उर्वशी के नाटक के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि मुझे तुम्हारी नजर में महान नहीं बनना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नजरों में बस जाना है। बस गेम ओवर। आगे की परीक्षाएं देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जितना तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी तुम बना चुकी और अब तुम सिर्फ और सिर्फ दूरी बनाओगी। बस राजीनामे में ना ऐसा कोई क्लॉज नहीं था जिसमें यह लिखा हो कि मैं गौरव के लिए परीक्षा देने से पीछे हट जाऊं। तुम्हारी बगावत बता रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेल रही थी। घटिया सोचना तुम्हारी आदत है तो तुम्हारी इस आदत का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। परीक्षा देने से पीछे मैं नहीं हटूंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं भी देखती हूं कि उर्वशी के रहते तुम्हारी कौन सी तपस्या सफल होती है। उर्वशी, सच में हमने पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे जो हमें तुम जैसी पत्नी मिली। पर इस जन्म में हमें गुनहगार मत बनाओ। तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसी हालत में हमारे लिए सुहागन वाली परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे के लिए हानिकारक होगा। क्यों ना करूं गौरव, तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। भाभा ठीक है उर्वशी, इसलिए तुम ये सुहागन वाली परीक्षा नहीं दोगी। वादा करो हमसे, वादा करो। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सुहागन के तौर पर जो भी करना है मैं करूँ, वो कहना नहीं।
सुहागन की परीक्षा कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अपने पति के साथ साथ संकट पूरे परिवार पर भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें अपनी दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा उर्वशी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो उर्वशी अपनी दूसरी परीक्षा दे दे। अगर आप कह रही हैं तो हमें किस बात का ऐतराज दुर्गेश्वरी जी? अगर ये अपने परिवार और रिश्तों के लिए ये परीक्षा देना चाहती है तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारी इन जैसी पत्नी है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी है। ये काली शक्तियों का आह्वान करते करते सात्विक परीक्षा कैसे दे दूं मैं? ये सारी शक्तियां खत्म हो सकती हैं, वो आत्मा आजाद हो सकती है, और ऊपर से मैंने गौरव को इतनी कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि मैं ये परीक्षा दूंगी। इस लाल किताब में इस प्रॉब्लम का कोई तो सलूशन होगा। कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सागर मंथन में राक्षस जीत जाते और दैविक शक्तियां हार जाती। बस करो उर्वशी, बंद करो अपना ये काला जादू, क्योंकि तुम्हारा ये जादू टोना पवित्र रिश्तों से जीत नहीं पाएगा। औरत के 16 श्रृंगार में मेहंदी भी एक श्रृंगार ही है। तुम्हारे हाथ से आलता 16 श्रृंगार पूरा कर देगा। लगाओ आलता। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम हमारे लिए इतनी कठिन परीक्षा दे रही हो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम अपने अभियान में सफल हो जाओ। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।